नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और बेहतरीन वीडियो के अंदर। आज है अपने पास में गोवो गो सराउंड 900 साउंड बार। आज तक आपने मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस देखे, मैंने आपको हर एक रियलिटी से रूबरू कराया, किस सिस्टम के अंदर किस क्वालिटी पे ज्यादा जोर दिया गया है, किस चीज की कमजोरी उसके अंदर है, हर चीज की मैंने आपसे एकदम डिटेल के अंदर हर तरीके की बात की है। तो आज भी अपन वही करने वाले हैं। मुझे काफी ज्यादा कमेंट आए थे कि भाई साहब साउंड बार रिव्यू करो, साउंड बार का साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, बेस बहुत अच्छा होता है, क्लैरिटी होती है उसके अंदर। तो मैंने भी एक बहुत ही ज्यादा रिव्यूड प्रोडक्ट जिसके ऊपर बहुत ज्यादा रेटिंग है Amazon के ऊपर, उसको ऑर्डर कर लिया है। ये प्रोडक्ट किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने अपने पैसे से खरीदा है और अब मैं आपको ये रिव्यू दे रहा हूँ। ये साउंड बार मैंने मंगा ली थी, लगभग 7 से 8 दिन मेरे पास इसको हो चुके हैं। जो चीजें मैंने इसके अंदर देख के इसको सोच के मंगाई थी, क्या वो सब चीजें इसके अंदर है या नहीं है, कितनी ये खरी उतरती है, वो भी आज आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं इसका भी टियर डाउन हो तो कमेंट कर सकते हैं, और इसका भी टियर डाउन जरूर से आएगा मेरे चैनल के ऊपर। इस वीडियो के ऊपर लाइक एम रखता हूँ केवल 200 लाइक का, अगर कंप्लीट करवाते हो टीयर डाउन वीडियो जरूर से आएगा। आप थक चुके हैं ढूंढ ढूंढ के वीडियो जिसके अंदर आपको एक डीप बेस वाला सिस्टम मिल जाए, बजट के अंदर एक ऐसा साउंड बार या ऐसा होम थिएटर या एक ऐसा पार्टी बॉक्स या ऐसा एटलीस्ट स्पीकर सिस्टम मिल जाए जिसके ऊपर आपको एकदम बढ़िया डीप बेस देखने को मिले। सॉफ्ट बेस हो या फिर हार्ड हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पंची भी नहीं होना चाहिए, केवल वाइब्रेशन आनी चाहिए और लगना चाहिए कि कुछ बज रहा है, घर के दरवाजे भी हिलने चाहिए। अगर आप एक ऐसे साउंड सिस्टम की तलाश में हैं तो शायद आप सही जगह पे आए हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको वीडियो पूरा देखने पर ही पता चलेगी। प्रोज एंड कॉन्स दोनों की बात होगी यहाँ पे। वेल, ये है 2.1 साउंड बार, तो केवल म्यूजिक के लिए अपन इसको नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि कंपनी ने इसके अंदर HDMI सपोर्ट भी दिया है, बॉक्स सपोर्ट भी दिया है, तो इसको अपन वीडियो आउटपुट के साथ भी कंबाइन करके देखेंगे। इसके ऊपर मूवीज के टेस्ट भी होंगे, पिक्चर के अंदर आउटपुट कैसा है, डायलॉग डिलीवरी कैसी है, सब ऊपर का जो बेस है वो कितना लिमिट में रहता है या फिर ओवर पावर होता है, इसका जो अपर बेस है कितना अप जाता है, इसका जो लोअर बेस है कितना डीप जाता है, क्या यह साउंड बार फेक बेस प्रोड्यूस करती है या नहीं करती है, क्या इसकी जो रेटेड पावर है ये उस पर रियली खरा उतरता है, या फिर जो इसकी 200 वोल्ट की पावर अपने को दिखाई गई है वो प्रॉपर नहीं है, हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे। डिटेल में आपको मैं एक आइडिया देने वाला हूँ, आप देखने के लिए आए कि भाई साहब इसको मैं खरीदूं या नहीं, वो आप जवाब जाते टाइम जरूर हाथ में लेके जाएंगे कि ये साउंड बार आपके लिए बनी है या नहीं बनी है। सारे यूट्यूबर्स, सारे Amazon पे रिव्यूज जो आप देखते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों देखने को मिलेगी, लेकिन क्योंकि इसके अंदर मैं एक भी पैसा नहीं ले रहा हूँ ना ये ब्रांड स्पॉन्सर है, तो इसके ऊपर आपको नेगेटिविटी भी उतनी ही क्लियर देखने को मिलेगी एंड पॉजिटिविटी भी उतनी ही क्लियर देखने को मिलेगी जितनी मैंने एक्सपीरियंस की है। सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब ये साउंड बार क्यों लेनी चाहिए। आप अगर तलाश कर रहे हैं 5,500 रुपए या 6,000 रुपए के अंदर एक ऐसे साउंड सिस्टम की जो आपके घर की म्यूजिक की नीड को भी पूरा करे, आपको एक वायरलेस कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करे, आपके टीवी का वॉल्यूम भी बढ़ा देवे और आप उस पे म्यूजिक के साथ में मूवीज का एंजॉयमेंट भी ले पाओ, तो ये सारी क्वालिटीज को फुलफिल करता है आपका ये साउंड बार। इसके ऊपर मिलता है आपको बहुत ही डिटेल के अंदर ऑडियो आउटपुट, प्लस इसका जो साउंड क्वालिटी है वो भी बहुत ज्यादा शानदार है। अब बिना किसी देरी के अपन खोलते हैं तो देखते हैं कि भाई साहब इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एक 6.5 इंच का सब ऊपर, ये आपको देखने को मिलती है एक साउंड बार और इन दोनों का टोटल वोल्टेज मिला के 200 वोल्ट कंपनी क्लेम करती है। टियर डाउन के अंदर आपको इन आइटम के रियल वोल्टेज देखने को मिलेंगे, अगर मेंशन किए हुए रहेंगे स्पीकर ड्राइवर के पीछे, सबूवर ड्राइवर के पीछे, तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा कि इनके पीछे कितने वोल्टेज मेंशन है और कंपनी कितना बताती है, और मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ कि कैसा टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सुन के भी वो चीज प्रोवाइड नहीं हो सकती है जो मैं यहाँ पे खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्योंकि एक प्रोफेशनल स्टूडियो के अंदर आवाज रिकॉर्ड होती है वो आप सुनते हैं, एक ऑडियो जो कि आपके घर पे आने के बाद में बजने वाली है, दिन रात का अंतर होता है। मैं आपको आज वही ऑडियो सुनाने वाला हूँ जो कि मैं यहाँ घर पे लाके बजा रहा हूँ और कैसा आपको सुनने के अंदर यहाँ पे लगने वाला है। सबसे पहले बात करें क्या क्या देखने को मिलता है, बॉक्स के अंदर क्या क्या आइटम आता है। सिंपल सा एक सबवूफर बॉक्स, एक साउंड बार जिसके ऊपर आपको यहाँ पे केबल देखने को मिलता है जो भी काफी अच्छा क्वालिटी का है, और यहाँ पे केबल जो है वो निकलने वाला हो सकता था लेकिन ये केबल इसी के साथ में रहता है, फिट रहता है। एक आपको देखने को मिलता है पाउच, जिस पाउच के अंदर क्या क्या आया है तो मैं यहाँ पे आपके सामने ही निकाल लेता हूँ। ये खाली थैली, इसके अंदर से रिमोट निकला था। तो आप पे आपको स्क्रू देखने को मिलते हैं जो कि आपको इसको दीवार पे या फिर आपके टीवी पैनल पे कसने के अंदर हेल्प करेंगे। एक आपको यहाँ पे ऑक्स केबल देखने को मिलती है जो कि ऑक्स टू ऑक्स है, और ये केबल भी काफी ज्यादा हैवी है, अच्छी क्वालिटी है, यूजुअली जैसी आनी चाहिए वैसी है। HDMI केबल आपको नहीं देखने को मिलती है, ऑप्टिकल केबल आपको नहीं देखने को मिलती है। HDMI ARC का सपोर्ट आपने साउंड बार के अंदर दिया है, 5,000 रुपए ले रहे हो, ये केबल आप प्रोवाइड कर ही सकते हो क्योंकि वो केबल हमको बहुत ज्यादा हेल्प करती है टीवी से इसको डायरेक्टली कनेक्ट करने के अंदर, नहीं है तो अपने को अलग से परचेस करना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कनेक्टिविटी, वायरलेस कनेक्टिविटी, तो उसके लिए अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है
एक बहुत ही स्लिम ट्रिम सा डिजाइन वाला रिमोट जिसके ऊपर बेस और ट्रेबल दोनों के कनेक्टिविटी ऑप्शन पूरे पूरे मिलते हैं। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ऐड होता है गो सराउंड के लिए, क्योंकि बेस का कनेक्टिविटी प्लस ट्रेबल का कनेक्टिविटी उसी के साथ में वॉल्यूम का भी कनेक्टिविटी आपको रिमोट के ऊपर देखने को मिलता है। तो आप एज्यूम कीजिए अगर आपका ये साउंड बार का सबवूफर कहीं कोने में नीचे रखा हुआ है, ये साउंड बार आपकी टीवी के जस्ट नीचे फिट है, तो आपको उठ के नहीं जाना पड़ेगा कि यार आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है या फिर इसकी आवाज थोड़ी दब रही है। वो सब चीज आप रिमोट से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज मैंने इसके अंदर एक्सपीरियंस की, जो कि मैं मूवीज देखते टाइम में यूजुअली किसी और सिस्टम से एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि ये चीज इसके अंदर होगी, लेकिन गोवो के साउंड बार के अंदर ये चीज भी मुझे देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, प्रीसेट जिसको अपन बोल सकते हैं, जिससे आप इसको स्विच कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका जो ऑडियो आउटपुट है एकदम चेंज हो जाएगा। कैसे? वेल, अगर आपको म्यूजिक सुनना है तो आपको क्या उम्मीद रहेगी, साउंड के अंदर एकदम डिसेंट क्वालिटी की ऑडियो हो, मस्त छन छन वाली आवाज हो और एकदम धमाकेदार बेस हो। लेकिन वहीं पे आपको अगर पिक्चर देखनी है, मूवीज देखनी है, ठीक है, आपको वेब सीरीज देखनी है, कोई भी आप कंटेंट एज्यूम कर लीजिए जो कि वीडियो के फॉर्मेट में आपको कंज्यूम करना है, तो क्या आप चाहेंगे कि उसके अंदर आपको अनलिमिटेड एक्स्ट्रा थंपी बेस मिले, जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी वो एक्स्ट्रा ट्रेबल सुनाई दे या फिर आपको जो एक्स्ट्रा मिड है वो सुनाई दे? बिल्कुल नहीं। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रीसेट मिल रहा है, म्यूजिक का प्रीसेट है पर्सनल, मूवी का प्रीसेट है पर्सनल और न्यूज का भी एक प्रीसेट है जिसके ऊपर आप इसको डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं और आपका जो ऑडियो आउटपुट है वो एकदम चेंज हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें ही एक सिस्टम को प्रोफेशनल बनाती है। और उसी के साथ में इसका जो आउटपुट है उसकी बात करते हैं, कैसा साउंड आउटपुट है, क्या है। एक तो साउंड टेस्ट होगा जो कि आपको बताएगा, आप आपके कानों से सुनोगे। और एक चीज जो मैंने एक्सपीरियंस की है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यूजुअली क्या होता है, एक 200 वाट के साउंड सिस्टम के अंदर आपको क्या चीजें देखने को मिलेगी? मैंने जितने भी साउंड सिस्टम सुने हैं 200 वाट 500 वाट जो कस्टम मेड रहते हैं या फिर जो खरीद के मैंने सुने हैं, उनके अंदर एक चीज का प्रॉब्लम हमेशा रहता है, वो ये है 90% के ऊपर जाने के बाद में बेस ट्रेबल और मिड तीनों का मिक्स हो जाना, आवाज तीनों का प्रॉपर नहीं आता है 90% से ऊपर जाने के बाद में। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इस साउंड बार को आपको 50% से ज्यादा खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका वॉल्यूम अगर आप 15 पे भी रखते हैं, यूजुअली इसका वॉल्यूम 30 तक आप बढ़ा सकते हैं सब मिला के, इसका वॉल्यूम अगर आप 15 तक भी रखते हैं तो एक 10x15 के रूम को ये पूरा फुलफिल करता है, केवल ऑडियो से नहीं। अब एक चीज और होती है, यूजुअली बेस की बात करते हैं लोग बाग तो वो केवल लाउड बेस को इंक्लूड करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम लो बेस को नेग्लेक्ट किया जाता है, लो बेस को काउंट ही नहीं किया जाता है। वेल, बात करें 30-40 से 50 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी कोई भी सस्ता सिस्टम हो या महंगा सिस्टम हो अगर वो ट्यून नहीं किया हुआ है तो वो जो आवाज है वो सिस्टम बिल्कुल नकार देगा। 30 हर्ट्ज 40 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज का अगर फ्रीक्वेंसी जा रहा है तो वो सिस्टम बिल्कुल आवाज ही नहीं करेगा, ना के बराबर बोलेगा। और अगर उसके अंदर जो बेस है वो एकदम रोलिंग है, थंपिंग है, तो वो सिस्टम उसको एक ऐसे तरीके से प्रेजेंट करेगा कि वो केवल जस्ट आपको डिसेंट सुनाई देगा, उसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियो का फील ही नहीं आएगा, आपको लगेगा कि नहीं कि हाँ इसके अंदर कुछ खास है। लेकिन इसके ऊपर अगर आप चाहे कोई भी लो बेस का साउंड, डीप बेस का साउंड, लाउड बेस का साउंड, वेल इसका लाउड बेस उतना ज्यादा कह सकते हैं पंची नहीं है, लेकिन इसका जो लो फ्रीक्वेंसी हैंडल करने का तरीका है ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसका जो साउंड है, फ्रीक्वेंसीज है, वो जो लो जितना ज्यादा ये हैंडल कर पा रहा है मेरे हिसाब से बहुत अमेजिंग है। अब बात आती है कि भाई साहब इसका जो बेस का क्वालिटी है, मोस्टली लोग बाग धमाका करने के लिए ही कोई भी सिस्टम परचेज करते हैं, क्लियरिटी का उनको नाम ही नहीं है कि भाई कहां क्लियरिटी स्टैंड कर रही है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने क्लियरिटी का भी पूरा पार्ट कवर किया है, जहां पे आपको क्लियरिटी के भी सारे पॉइंट मैं यहां पे बोल के भी कवर करने वाला हूं, प्लस वीडियो सैंपल भी देके क्लियर करने वाला हूं आउटपुट कैसा है, क्या चीज मैंने एक्सपीरियंस की है। एक चीज और होता है, जो आप मोस्टली साउंड सुनते हैं यूट्यूब के किसी भी वीडियो के अंदर या कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, मोस्टली नॉन कॉपीराइटेड साउंड होते हैं, जो आप किसी भी सिस्टम के ऊपर चला ले वो सिस्टम अच्छा ही सुनाई देगा, वो बुरा नहीं बजेगा। लेकिन अगर बात करें सिस्टम को रियल टेस्ट करने की, तो मैंने इसके ऊपर लगभग हर तरीके की साउंड फ्रीक्वेंसी टेस्ट कर ली है। ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब मैं यहाँ पे अब सिस्टम लेके बैठ गया और इसका एक फ्रीक्वेंसी नाप रहा हूँ कि ये बज रहा है या नहीं बज रहा है, ये बज रहा है या नहीं बज रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये पॉसिबिलिटी जरूर से क्रिएट कर सकता हूँ कि मोस्टली जो ऑडियंस का टेस्ट है वो कहाँ कहाँ जाएगा। किसी किसी को फोल्क म्यूजिक सुनना पसंद है, वो मैंने इसके ऊपर टेस्ट किया। किसी किसी को रॉक म्यूजिक सुनना पसंद है, वो मैंने इसके ऊपर टेस्ट किया। किसी को ओल्ड लोफी टाइप के सॉन्ग्स पसंद है, वो मैंने इसके ऊपर टेस्ट किए। किसी को एकदम धमाकेदार हार्ड बेस वाले डीजे वाले सॉन्ग सुनने पसंद है, वो मैंने इसके ऊपर टेस्ट किया। किसी को एकदम सॉफ्ट वोकल पसंद है, बॉलीवुड पसंद है, सैड सॉन्ग पसंद है, वो मैंने इसके ऊपर टेस्ट किया। किसी को एकदम रोलिंग बेस वाले धमाकेदार थंपी बेस वाले साउंड पसंद है, उसका मैंने टेस्ट किया। लोगों को हर तरीके का फ्रीक्वेंसी टेस्ट हर समय तो नहीं मिल पाएगा, ऐसा जरूर से होता है कि हर साउंड सिस्टम उस क्वालिटी को इजीली नहीं निकाल पाएगा, कहीं ना कहीं तो वो पीछे रहेगा ही रहेगा। अब इसका क्लियरिटी का बात करें कि इसका आवाज कैसा है, बेसिकली एक साउंड सिस्टम के अंदर हाई से और मिड से जो सेपरेशन होता है ना, वो क्या इसके अंदर बना हुआ है या फिर वो मिक्स है? मिड और ट्रेबल क्या एक साथ घटते हैं या बढ़ते हैं? क्योंकि इस रिमोट के ऊपर मिड को बढ़ाने या घटाने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन सबवूफर का वॉल्यूम आउटपुट आप 12 तक बढ़ा भी सकते हैं, 12 तक घटा भी सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि कोई वॉल्यूम होता है तो वो केवल बढ़ता है और जीरो पे आके रुक जाता है,
-12 नहीं जाता है, लेकिन इसके ऊपर आप साउंड का जो आउटपुट है सबवूफर का -12 +12 दोनों कर सकते हैं। सेम चीज ट्रेबल के लिए भी है, आप इसका जो वॉल्यूम है ट्रेबल का +12 तक उसको ओपन कर सकते हैं और +12 तक ही इसको आप दबा भी सकते हैं। तो ये तो हो गया सेपरेशन सबवूफर के वॉल्यूम का, बेस का, और ट्रेबल के वॉल्यूम का, छन छन वाली आवाज का, क्लियरिटी का। बट मिड की बात करें जहाँ पे केवल एक वोकल स्टैंड करती है, इसके ऊपर मिड का कोई आपको पर्टिकुलर कंट्रोल नहीं देखने को मिलता है कि आवाज बढ़ाने से मिड कम हो रही है या मिड बढ़ रही है। उसके लिए आपको जैसे कि न्यूज वाला प्रीसेट देखने को मिलता है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, इसके अंदर मिड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो इन्होंने अपने आप ही इन्होंने प्रोग्राम किया हुआ है और कुछ नहीं है। आप इसको मैनुअली बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं मिड को। वोकल का बात करें, वोकल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है मिड, क्योंकि आवाज अगर आपके पास तक नहीं पहुंच रही है, हाई और बेस उसको आसपास से कवर कर रहे हैं और वोकल जो है उनके बीच में चल रही है, लेकिन आपको क्लियर वो पकड़ में नहीं आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं कमी होती है। इसके अंदर वो कमी तो देखने को नहीं मिलती है, बट कंट्रोल भी देखने को नहीं मिलता है। क्या ये एक कमी है, क्या ये एक बहुत बड़ी कमी है या नहीं है, तो मैं उसको भी क्लियर करता हूं। देखिए, कोई बड़ी कमी ये नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मिड का पर्सनल एक नॉब या फिर एक कंट्रोल अचीव कर भी लेते हैं तो आप उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाएंगे जितना कि ये ट्रबल के साथ में हो रहा है। एक चीज मैंने एक्सपीरियंस की इसको साउंड टेस्ट करते टाइम, कि जो ट्रबल है उसके साथ में इसका मिड भी एडजस्ट होता है। जैसे जैसे आप इसका ट्रबल इंक्रीज करेंगे, जो मिड का क्लियरिटी है ना वो भी अपने आप इंक्रीज होगा, क्योंकि जो पर्टिकुलर स्पीकर ड्राइवर है उसके अंदर भी अपना पर्सनल कुछ एक क्लियरिटी होता है जो कि ट्रबल से उसको सेपरेट करता है, और वो चीज यहाँ पे ट्रबल के साथ ही घटती है और बढ़ती है। और कुछ चीजें नहीं है जो कि मैं अभी नहीं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि भाई साहब मुझे भी चाहिए YouTube पे स्टैंड करने के लिए कहीं ना कहीं वॉच टाइम, कहीं ना कहीं ऑडियंस का एंगेजमेंट, जो कि आपको देखने को मिलेगा अगली वीडियो के अंदर। ये जो आज आपको मैंने अभी तक जितना भी बताया है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा विद वीडियो, विद ऑडियो, लाइव साउंड टेस्ट के साथ में। आपको पर्टिकुलर एक एक साउंड टेस्ट दूंगा, जिसके अंदर मैंने 2 या 3 से 4 टाइप के मूवीज जो है टेस्ट किए हैं। अब मैं रिकॉर्ड करूंगा, जितने आपको देखने को मिलेंगे हर एक चीज मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। पर्टिकुलर नोट पे बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे कि कहां कौन सी फ्रीक्वेंसी प्ले हो रही है, उसको ये कैसे डिलीवर कर रहा है, यहां तक का एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर देने वाला हूं। जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्रिएट मैं करूंगा, उस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे साउंड टेस्ट दूंगा और आपको उस वीडियो का नाम भी यही देखने को मिलेगा कि म्यूजिक टेस्ट या साउंड टेस्ट करके आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी, जिसके ऊपर इस साउंड बार का पूरा साउंड टेस्टिंग होगा। और एक चीज आपको उसके बाद देखने को मिलेगी, ये आप लोगों की मेहरबानी है, अगर इस वीडियो के ऊपर 200 लाइक क्रॉस होते हैं, कमेंट्स क्रॉस होते हैं, अच्छे खासे कमेंट आते हैं, इस पूरे सिस्टम को खोल के दिखा दूंगा इसके अंदर क्या क्या लगा रखा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर से करके जाना अगर आपको रियल नॉलेज चाहिए, नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो चाहिए, रियलिटी चाहिए और रियल में साउंड का एक्सपीरियंस और नॉलेज चाहिए, तो इसी चैनल पे मिलेगा, सब्सक्राइब जरूर से करना। और अगर आपको चाहिए केवल जस्ट फेक हॉप्स, फेक बेस्ट आउटपुट्स, जैसे कि लोग बाग जो बढ़िया बढ़िया बोल के दिखा देते हैं हर चीज को, ये भी बढ़िया वो भी बढ़िया, इसके अंदर ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, अरे भाई हर साउंड सिस्टम के अंदर हर चीज अच्छी है तो हम खरीदे ही क्यों? कुछ तो कमी बताओ कि हाँ ये चीज के अंदर होगी, और कंपनी खुद बोलती है कि भाई इस चीज के अंदर ये नहीं है ये है, आप हर चीज को बढ़िया बता रहे हो, तो ऐसे यूट्यूबर से बच के रहिए। आपके भाई को सपोर्ट जरूर से कीजिएगा, मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, नेक्स्ट वाली वीडियो का जरूर से इंतजार कीजिएगा।